आज खयाबान निषाद चौक में हम लोगों ने शहर के जो तामीरी दुश्मन है, तोड़ी बाज है, उन लोगों ने चैलेंज किया था नुमानी पुल के लिए। हम पूरे सबूत इकट्ठा करके वहां पर लेने आए थे, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अगर पूरी पुलिस का दबाव डालकर हम लोगों को इमाम बाड़ा हुसैनी मस्जिद के पास ही रोक दिया गया। हम वहां पर हम लोगों ने 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन हम 1:30 बजे वहां पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस ने हमको वहां पर रोक दिया था। और ऐसे हालात में हम लोग कल दोपहर में 3 बजे मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। हम वहाँ पर पूरे सबूत और सरदार के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और ये झूठे मक्कार निकम्मे जो शहर को बदउनवान, जो 40 सालों से हमेशा शहर को गुमराह कर रहे, शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, आज दशहरा था, अगर इन लोग सच्चे रहते तो इन लोग ऐलान नहीं करते, डायरेक्ट 4 बड़े सरदार लेकर आते, 4 बड़े जिम्मेदार उनकी तरफ से रहते, 4 बड़े जिम्मेदार हमारे तरफ से रहते, लेकिन शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया, अखबारात और यहाँ तक के जलसे में भी और रिक्शे के जरिए भी ऐलान करवाया। उन्होंने वहाँ पर भीड़ बुलवाई गई, भीड़ हमारी तरफ से नहीं आई थी, हम लोग वहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारान पहुँचे थे और उनके पूरे सबूत लेकर उनके जो झूठे इल्जाम थे उसका जवाब देने के लिए 1 घंटा पहले हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। ठीक है, माहौल गर्म हुआ पुलिस के दबाव के हिसाब से, लेकिन हम कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं। हम कल वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आवाम के सामने अपनी पूरी सच्चाई बताएंगे। तो आवाम से गुजारिश है कि आप वहाँ पर पहुँचे कल दोपहर में ठीक 3 बजे उर्दू मीडिया सेंटर शहीदों की यादगार के पास ATT हाई स्कूल के सामने।